तो भाई लोग फिर आगे में एक और बेहतरीन वाली GTA 5 एक्सटेंडेड एंड एनहांस्ड गेम प्ले वीडियो में। भाई लोग पिछली वाली वीडियो में हमारी लेस्टर के साथ में थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, ठीक है, मिले थे हम लेस्टर से, लेकिन भाई एकदम हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने हमारे पर हमला कर दिया हो, ठीक है, शेक वेक ने, लेकिन भाई ऐसा कुछ था नहीं, लेस्टर ही था वो, और उसका मिलने का तरीका ये लेस्टर का स्टाइल है ना। और भाई हमें बहुत सारे सीक्रेट्स पता लग चुके हैं लेस्टर के, और जो भी अभी तक चल रहा था भाई, क्या चल रहा था, क्या हमें बताया गया था, क्या हो रहा था भाई, बिल्कुल ही अलग सब कुछ है ना। खैर अभी भाई जब हमें सब कुछ पता चल चुका है तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है ना, और मजा इस वाली वीडियो में तो बताएगा अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के। और भाई लोग अभी अभी हमें ट्रेवर का फोन आया है और उसने कहा है कि हमारे पे कोई हमला होने वाला है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बेसिकली हमारे तक लेस्टर नहीं पहुंचाई है, लेकिन फोन ट्रेवर ने कराया है। तो भाई आज हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले अमेंडा और ट्रेसी और भाई चॉप को भगा देते हैं यहाँ से, अमेंडा ट्रेसी यहीं पे है, चॉप को ले गए क्योंकि भाई फ्रैंकलिन का चॉप भी भाई जरूरी बंदा है ना, तो इसे भी लेके भगा देते हैं इन्हें पीछे करते, ठीक है। ओ भाई तोड़ दिया काफ़ी सारा ग्लास हमने, और इस वजह से कहते हैं अमेंडा और ट्रेसी को जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से होके और ये पीछे वाले घर जो ये है इसके ऊपर ऐसे चढ़ के और भाई पीछे से फांद फांद के और चले जाएंगी पीछे, काफ़ी आगे जाके ड्राइवर ने इनके लिए गाड़ी भेज दी है, उसके थ्रू कहीं और चली जाएंगे, मतलब ड्राइवर ने इनके सेफ जगह का जुगाड़ कर दिया है। और हमारे से भी कहा कि तुम अलग से निकलना, तुम्हें अलग से लोकेशन भेजूंगा मैं, और सबसे पहले इनसे बस जाने के लिए कहते हैं यहाँ से भागने के लिए। फिर क्या कहते हैं हमें यहाँ पर लेकिन थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जिससे कि हम थोड़े सबूत वबूत मिटा सके अपने यहाँ होने के। तो भाई लोग चॉपर आ चुके हैं यहाँ पे बाहर, काफ़ी सारे तीन तीन चॉपर आ गए हैं, और हमें जल्दी से कहीं छुपना होगा, यहाँ छुप जाते हैं भाई जल्दी से। ओ भाई इन्होंने गोली भी चलानी शुरू कर दी बाहर से, भाई ये बड़ी भयंकर गोली चला रहे हैं एकदम से, भाई आते ही गोली बजानी शुरू कर दी इन्होंने, और भाई ये पूरे घर को उड़ाने लग रहे हैं। मैं कहीं और जा भी नहीं सकता, मैं इस जगह ऐसी जगह पे रुका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे तो भाई दीवार है चारों तरफ, और अगर मैं बाहर गया ना तो पूरा घर भाई कांच का है और भाई हमें गोली लग जाएंगी आके, तो इससे मैं कहीं बाहर भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई लोग अभी हमने एजेंट को फ़ोन कर दिया, एजेंट 47 को, वो कह रहा है कि मतलब हमने उसे बता दिया कि भाई हम फंस गए हैं घर के अंदर और टॉयलेट के अंदर घुसे हुए हैं अभी, क्योंकि वहीं पे कांच नहीं है, बाकी सब जगह कांच है, भाई हेलीकॉप्टर दबाए गोलियां बजा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो एजेंट ने कहा कि ठीक है मैं अभी अपने हिटमैन भेज रहा हूँ हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए, वो भाई RPG लेके आएंगे, भाई हेलीकॉप्टर को फोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन इतने हमें यहीं पर रहना है। ओ भाई ठीक है भाई साहब, एजेंट ने बोल के सारे हेलीकॉप्टर फुड़वा दिए इन लोगों के, मैं बाहर जाके देखता हूँ, भाई साहब पूरा धुआं धुआं हो रखा है, और ये पड़े भाई हेलीकॉप्टर एक यहाँ पड़ा है, भाई सारे में गोलियों गोलियों के निशान कर दिए ना जा सी देर में, सारे कांच वाँच फोड़ के, ये देखो भाई खंभों का क्या हाल बना दिया, फ्रिज व्रिज पूरी किचन बर्बाद करके रख दी भाई इन्होंने, ये देखो भाई ये पूरा ग्लास शैटर कर दिया है ना, ये टेम्पर्ड ग्लास है, इसे गिरा तो नहीं है लेकिन भाई पूरे में छेद छेद हो गए। ओ भाई पूरा घर का भाई इन्होंने क्या नाश मचा दिया, जो फ्रैंकलिन ने भाई यहाँ पे हम सोचे थे ना गैस के सिलेंडर क्यों रखवाए, वो भाई इसलिए रखवाए थे कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हो तो हम इन्हें फोड़ के और ऐसा दिखा दें जैसे कि यहाँ पे सब बर्बाद हो गया, तो कोई हमें जो है ढूंढने नहीं आने का जल्दी से, इसे भी उड़ा देते हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई क्या भर के फटे हैं सारे सिलेंडर, और अभी अपनी हायाबूजा लेकर निकलते हैं यहाँ से। हमने भाई हायाबूजा जो है ना घर के पीछे इसलिए खड़ी कर रखी थी जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इसे लेकर निकल लें, भाई तेज बाइक वैसे है तो सही रहेगी, ठीक है भाई लोग। तो अभी हम आ चुके हैं एक होटल के पास में, ट्रैवल दी थी हमें इसकी लोकेशन, और भाई साहब ये कहा था कि यहाँ पे फ्रैंकलिन का एक होटल है, और हम भाई अभी यहाँ पे अकेले ही आए हुए हैं, अमेंडा ट्रेसी या फिर चॉप वॉप कोई हमारे साथ नहीं है। ओ भाई क्या स्टंट है है उसे तो काफ़ी अच्छे स्टंट्स के लिए। खैर तो भाई अमेंडा ट्रेसी और चॉप वॉप के रहने का हिसाब किताब पहले ही कर दिया उन्होंने लेस्टर ने एक जगह पे, वो भाई अभी एक लो प्रोफाइल जगह पे रहने वाली हैं, और मतलब ऐसी नॉर्मल सी घर में, और वहाँ पे मतलब ऐसा रहेगा उन्हें भाई बाहर झांकने तक की परमिशन नहीं होगी, वो बस घर में रह सकती हैं, और भाई सब्जी वब्जी भी उन्हें सब घर में मिलेंगी, खाना पीना सब है ना, क्योंकि भाई बाहर अगर जाएंगी कुछ बातों की मैटर होगा कुछ होगा तो भाई लोगों को उनका पता लगेगा और उनके ऊपर आफत आई खतरा आएगा है ना, तो इसलिए उनका रहने का पूरा हिसाब किताब उसी घर के अंदर होगा। और भाई हम क्या कहते हैं यहाँ पे आए हुए हैं अलग जगह पे क्योंकि हमारे साथ भाई खतरा रहता है, हम इसलिए उनसे अलग हुए हैं इस बार कि भाई हमारे साथ खतरा घूमते फिरते आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। और भाई सामने है वो होटल के एंट्रेंस, वहाँ चलते हैं अपनी हायाबूजा लेके, और भाई साहब पिंक हायाबूजा आए अपने पास। ओ भाई रशियन एम्बेसी का फ्लैग, रूसियन एम्बेसी, वी सपोर्ट रूसिया इन दिस वॉर, हूला।
भाई काफी ऊपर है पहाड़ पे होटल, ये सड़क से काफी हटके है, सीधा ऐसा रास्ता बना रखा है। सोचो भाई यहाँ से कोई भगाए गाड़ी ले आया, उसकी गाड़ी इस बाजू गिर गई पहली साइड, तो क्या होगा, वो तो गया भाई सीधा नीचे। अभी भाई यहाँ पे चलते हैं और ये आ गया होटल अपना मेन। और हाय बुजाई भाई हमें ठिकाने लगानी पड़ेगी, यहाँ पे होटल में नहीं रख सकते हम, क्योंकि ये होटल मतलब ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग भी रहते हैं इसके अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं रहते लोग लेकिन नॉर्मल लोग कुछ रहते हैं। ठीक है होटल यहाँ से शुरू हो गया, पीछे रास्ता ही था है ना, थोड़ा सा सड़क से अलग करने के लिए होटल को। यहाँ पे भाई साहब पार्किंग है, पार्किंग के अंदर भाई सीसीटीवी लग रहा है, कोई किसी गाड़ी वाड़ी नहीं चला सकता। ये जितनी भी गाड़ी भाई तुम देख रहे हो सारी की सारी होटल की है, होटल जो है फ्रैंकलिन का है। ये भाई साहब तिजोरी, होटल की वॉल्ट, इसके अंदर कोई भाई नॉर्मल बंदा नहीं आ सकता, हम इन्हीं के साथ ही हैं तो इसलिए हमें आने की परमिशन है यहाँ पे। ये होटल भाई हमारे कंट्रोल में है एक तरह से। और भाई साहब ये वो है, अरे शिप पे नहीं होती बड़ी बड़ी गन, मिनी गन शिप पे बड़ी बड़ी होती हैं भाई, वो अंदर से कंट्रोल होती हैं। ये ऊपर भाई एयर डिफेंस सिस्टम लग रखा है, ठीक है। और ये भाई शिप वाली गन है भाई, काफ़ी हैवी कैलिबर की होती है मिनी गन, कितने मुझे तो 20 mm की लग रही है कम से कम भी भाई। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा खून वून सा ही पड़ा है, ये जो है किसी बंदे को उन्होंने कुट्टा पिट्टा होगा यहाँ पे ला के और उसे ठोक ठाक के यहीं फेंक दिया होगा, तो उसका पड़ा है। ये भाई पैसा है सारे में कैश ही कैश। ये कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी रखी है महंगी वाली, सोने की मिनी गन, सोना ही सोना है। ये भाई प्लेन पे जो फाइटर जेट पे वो लगती है ना मिसाइल, वो है ये सारी की सारी। इस साइड चल के देखें तो भाई साहब यहाँ पे खुल जा ऑटोमेटिक गेट है, ये शूटिंग रेंज है पूरी, ठीक है। यहाँ पे गोली वोली चला सकते हैं मस्त, और यहाँ पे देख के लगता है किसी के साथ अच्छी वाली शूटिंग की गई है भाई, पूजे पड़े हैं किसी के खुले हुए है ना, इसने भाई मैटर वैटर करा होगा इन लोगों के साथ भाई, ला के यहाँ पेल दिया होटल पे। होटल पे भाई ये काम भी करते हैं लोग, ठीक है, जो ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना, शूटिंग रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई नहीं घुस सकता शूटिंग रेंज के अंदर, पार्किंग पार्किंग तक आ सकते हैं लोग आम लोग। और वॉल्ट हो गई, शूटिंग रेंज हो गई, ऐसी ऐसी जगह पर ला के भाई जिसका इनके साथ मैटर होता है उसे पेल देते हैं फ्रैंकलिन रैंकलिनर। और यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, एक बार ऊपर चलते हैं। ऊपर भाई साहब यहाँ पे जिम है, और यहाँ से भाई ऊपर चल के देखते हैं क्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं जो मेन रहने वाला इलाका है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कनेक्ट कहाँ से होता है ना। तो यहाँ से जैसे हम चले इधर गए तो जैसे यहाँ पे ये पार्किंग भी आ गए वापसी है ना, तो यहाँ पे जैसे पार्किंग थी, पार्किंग से एक रास्ता तो वो है जहाँ से मैं गया हूँ, यहाँ से ऊपर गए इस वाले फ्लोर पे, वहाँ से ऊपर चढ़ गए वहाँ पहुँच गए, ठीक है। दूसरा रास्ता जो मेन रास्ता है वो ये है, यहाँ से ऐसे जाके ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ गए। ये सारी सारी होटल की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़े बहुत झाड़ वाड़ उगा रखे हैं, खेती बाड़ी कर रखी है। अच्छा ये वो है बास्केटबॉल खेलने का सिस्टम। यहाँ पे पीछे आ जाता है भाई अपना हेलीपैड, नाइस। और ये पूरा पूरा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग नहीं करनी अभी हमें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें कूदने भी नहीं वाला। ये भाई खुले में टीवी लगा रखा है बाहर है ना, एकदम भाई जिसे खुले में रहना पसंद हो ओपन में, वो उसके लिए सही है होटल है ना। कई लोग रहते हैं यहाँ पे भाड़े पे लेते हैं इस होटल को एक एक कमरा। और यहाँ पे भी ये पूरा खुला इलाका है, यहाँ पे टीवी लगा रखा है भाई, यहाँ पे बंदा टीवी देखते देखते पीछे का सीनरी भी देख सकता है ना। मान लो तुम्हें असुर भी देखनी है और साथ के साथ तुम्हें कॉल आ गया कि तुम्हें हिट मिली है, तो तुम क्या करोगे, सिंपली यहाँ से टीवी देखते देखते अपनी स्नाइपर निकालोगे और अपने टारगेट को ढूंढना शुरू कर दोगे, जो कि यहाँ से झाड़ू के कारण नहीं दिखने का, लेकिन फिर भी शायद किसी काम का हो भाई यहाँ पे टीवी लगाना खुले में है ना। किचन बना रखी इन्होंने एकदम ओपन किचन भाई, जिसे खाना वाना बनाना होगा शेफ वो यहाँ पे खाना बनाता रहेगा। ये जिम का नीचे जाने वाला रास्ता है, ये जिम का ऊपर जाने वाला रास्ता है, यहाँ से इस जगह से ऊपर जा सकते हैं हम भाई, मत्था बेड़ी गया इसमें, ठीक है। यहाँ गए, पहुँच गए ऊपर, जीने के नीचे से निकले और यहाँ गए, ठीक है भाई। ये भी एक स्लाइडिंग डोर है, ये हमारा ही कमरा है, हम रहेंगे इसके अंदर, वैसे ये मिलता नहीं किसी को, ये वीआईपी ओनली रूम है, या तो किसी को बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए दे के मिलता है या फिर जो अपने लोग हैं जैसे कि हम हो गए, लेस्टर हो गया, ट्रेवर फ्रैंकलिन, इन सबको, माइकल वाइकल को। और यहाँ क्या कहते हैं बेडरूम है सोने का, और ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमारे ऊपर हमला हमला कर सकता है, ये पूरा पूरा भाई बुलेट प्रूफ ग्लास है, ठीक है, तो कोई गोली मारेगा भी तो पार नहीं होने की। वैसे भाई दीवार के अंदर ये चीज़ सही लगा रखी है कि मतलब ऐसे स्लाइडिंग डोर है तो इन्हें पूरी तरह से लॉक भी किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल खुले ना, इसे तोड़ा ही जा सकता है ऐसे आराम से। और क्या छत पे घास उगा रखी है, ऐसे शौक किसके होते हैं कि मुझे फर्श की चीज़ ज़मीन पर चाहिए, ज़मीन की चीज़ फर्श पर, पता पाया ज़मीन पर तारे उगा दिए इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर एक और स्लाइडिंग डोर है, ये लाता है हमें ऑफिस के अंदर, ऑफिस ही भाई पूरा कांच ही कांच है,
चारों तरफ का देख सकते हैं बाहर का, और यहाँ पे बॉस का ऑफिस है, हम ही हैं यहाँ के बॉस। भाई ये डोर बिल्कुल छुपे हुए हैं, ऐसा पता भी नहीं लग रहा जब तक इनके बिल्कुल पास में पहुंच जाओ, खुलते ही तो पता भी नहीं लगता कि डोर होंगे। भाई ये ग्लास इतना ट्रांसपेरेंट है कि तुम्हें देख के लग रहा होगा कि भाई ग्लास है ही नहीं, लेकिन ये ग्लास ही है पूरा का पूरा। मैं देखो आगे ही जा पा रहा, मैं तुम्हें एक बार दौड़ के दिखाता हूँ, ये दौड़ा और ये जाके भिड़ जाए इसमें मत था, ठीक है। थोड़ा सा लग्जरी है, खुला खुला है, मस्त है, कूल है, लेकिन सिक्योर नहीं है इतना ज़्यादा। ये जहाँ तक इन्होंने या तो पैसे वैसे कमाने के लिए या बस चिल करने के लिए बनाया होगा, छुपने के हिसाब से बनाया नहीं होगा होटल। और अभी हमें एकदम से जरूरत पड़ेगी तो इसलिए इन्होंने हमें दे दिया। आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाते हो तुम्हें पता है क्या करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई के होना चाहिए एकदम, और मिलते हैं भाई की तरह अगली वीडियो में।